बाबा जी मैं जुनेद नाल ना जा सा। मैं भी ना पिड़ सा। एडी सोहनी मेरी कुड़ी है, सानू जुनेदा की कमी। एक छड़ो पंजा जुनेद। लेकिन अब्बा जी माड़िया टूमा कौन किन के देसी? मैं किन के देसा? माड़ा जेज ना सामान कौन किन के देसी? मैं किन के देसा? माड़ा ड्रेसिंग टेबल कौन किन के देसी? मैं किन के देसा? माड़े की नवा जुनेद कौन किन के देसी? मैं किन के देसा? लेकिन अब्बा जी माड़े की गुस्सा बहु है जुनेदे पर। मैं चाहनी हूं जुनेदे ना कोई थुन भी पने। मैं पन के देसा जुनेदा थे बड़े थे सही। अब्बा मेरा बेवकूफ अब्बा, तू अब्बा वो बेचने बोली इन नाल भेज दे ना करे सरा। मेरे घर परौने आए ने रोटी पकानी अब्बा ना ना करी। मैंने तो तेरा थुन पन देसा। ओ जुनेदिया तेरी है जरूरत और मारे थी ना लगना। ओनू चाहिए छोटिया छोटिया गलों नू दरगुजर करया करे। घर के काम इन्हें नहीं करने तो कहने करने ने। कोई प्रौणा आ जा मुंह बना के बैठ जाती है। मैं कह मैंने चाह बना के दे मुंह बना के बैठ जाती है। मैंने कहें रोटी बाहरों लैके आओ। मैंने कहें कपड़े बाहरों इस तरीके आगे लियाओ। मैंने कहें कपड़े बाहरों तो आगे लियाओ। मैं सारा कुछ बाहरों करवाना सी ते व्याह मैं कहते लिखी था। रोटी है पकाना, एक चूल्हा है गिनता, ए सफाइयां है करता, ए भांडे है धोंदा, ए कपड़े है धोंदा, ए की करता। मैं कैसे करूंगा? तू तो कहीं जुनेद दा बड़ा जुल्म करता। अब्बा जी याला मैंने सौरा दे अल्लाह ने मैंने पंगूठा दे दिता हर वेले ये करता रहता। अब्बा जी जुनेद झूठ बोलता है। ये जुनेद झूठ बोलता उठते है मार दिए। कम से कम देखो ना औरतें करती ठीक है ना। इनु चाहिए सवेरे सवेरे उठे 10 बजे सुती उठ दिए। ए अब्बा जी जुनेदा झूठ पे कपना है। ओ झूठ पे कपना है, झूठ पे कपना। मैं झूठ नहीं कपना। अच्छा अपनी धी नु समझा सवेरे उठ के पहले बैठ दे आधा घंटा गड़ाइयां लेंदी आ बासियां लेंदी। उस बाद मैंने कहंदी है चाय तो बना दो। मैं चाह बनांदा चंगा लगना। ए सही बोल रहा है। अब्बा जी मैं जुनेदे नाल ना जासा। साडी बच्ची तेरे नाल ना जासा। अपना तो सब कुछ बर्बाद कर लिया। अपना तो सिर तबाह किया, अपना तो घर तबाह किया, अपने तो बच्चे तबाह किए, अपना तो मां प्यो तबाह किया। अपनी बच्ची का तो घर रहना तबाह कर। वो सेबे वाले बंब। ओए मैं तेरे का थुन्ना पर छोड़ता। मैं तेरा थुन्ना पर नहीं हूँ। बाबा इज्जत करा मैं तुम्हें साथ। अब्बा जी इसने लता पन्नो तेरे से नक कब छटो। मैं भी बुरा लगेगा छट पर। अच्छा लड़ाई तो बाद में मैंने चंगा ही देखना चाहता। अपनी बीवी लैन साडा फैमिली मैटर है। तो अपनी बेटी मेरे नाल टोर नहीं रहा। मेरी सिर्फ यह लड़ाई है। मेरा राइट है, मेरी बीवी है। माड़िया टूमा चोरी करन आया। माड़ा जेज ना सामान सारा चोरी कीता। जुनेदा जी हां जी असी तुसा की बुलाया ए जुनेदे आ साडे कारो कड्डो साडी जान छुड़ाओ। चल जुनेदिया। ओ ना जुनेदा नहीं जो मैं ओ कहानी सिख दनी है तेरीया तेन दस देवे किते भलेखे जरे में चल गए। ओहो दादी ए कड आया हुण नहीं आएगा ताडिया ब्रुआ नहीं नंगूगा। अच्छा मेरा टीरा ही नहीं है घुमिया भी होया। ए भी नहीं पता बंदा किथे खलोता। ए माड़े अब्बा जी ने इस इनानी इज्जत करो ते उस जनेदे की कटो माड़े कारो। अच्छा अच्छा ते तुसी इना दे अब्बा जी हो। अंकल जी साडे हुंदे तुहानू कोई जनेदा तंग कर जावे साडे जीन ते लाण जा। फिर जनेदा तेरे पिछे खलोता मरे सड़े पखे दे मुंह वाले आ। तू फिर आ गया। और निकल जा था मैं सोटिया मार मार के ना तेरिया पिनिया लाल कर देनी। मैं दंदा छड़ा सही जो नहीं। ओहो गाजी ओ मरे को सुरमा ही पा लिया कर खा मार तेरे हाथ से थोड़ी जी ला कर देता हूं जनेदा। ओ मारे और तेरे कर नहीं आएगा वापस नहीं आएगा। ओ मारे अब्बा जी ने। अब्बा जी ने हां ओए ओ तेरे आंख लोते ने बार-बार छोंडे। ओ जनेदिया हां और तू ही सानू सही है। इन्हें मैनू दलील किया ना हूँ देखी मैं इन कि दलील करता। हाँ जा जा मुँह चुम मेरा। फिर आ गया थाने जा ते सारे सफाई इतों बैठे ने। बारिश हुई थाने पानी खलोता जे ते जाके छोटी बाल्टी ना सारा कड्डो। ये तुहानू पता नहीं मैं धंधा छड़ा नहीं समझा मेरी गल। हाँ। परसों मैं कूड़े का ट्रक फड़िया। और यह भी सुने तुम चलान नहीं किया माल ही जब्त किया और हुकूमत को छक के सारा माल तुम घर लै गए। थाने जा बैठे रिमांड थो तेरी लाश विखाउनी है। मेरी कल लाश विखाउनी पिंडी आई है। हुकूआ तो समझ होया की आ।
ਉਧਰੋਂ ਪੁੱਛ ਉਹ ਬਕੂਆ ਦੱਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਉਹ ਬਕੂਆ ਦੱਸੋ ਉਧਰੋਂ ਪੁੱਛ ਉਹ ਬਕੂਆ ਦੱਸੋ ਬਕੂਆ ਕੀ ਆ ਬਕੂਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਥਾਣੇ ਜਾ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਰ ਕੇ ਜਨੇ ਤੇ ਆ ਨਾ ਤੈਨੂੰ ਇਹੋ ਜਨੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਨਾਲ ਕਰ ਚੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਘਰ ਆ ਜਾ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਕਹੀਦਾ ਸਮਝੋ ਆਪਣਾ ਚਾਰਜਰ ਲੈਣ ਆਇਆ ਸਹੀ ਬਕਵਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋ ਮੈਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੁਆ ਦੇਖ ਜਾਊਂਗਾ ਇਹ ਢਿੱਡੋਂ ਨਿਕਲੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੀਏ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਤੇਰੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗ ਪਏ ਆ ਜਾ ਚੱਲੀ वेलकम बैक टू वॉचिंग तारों से करें बातें हमारे साथ हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ फरमा हैं चौधरी मोहम्मद इकबाल गुजर साहब साथ साथ सामिया भट्ट अच्छा आप खुद के साथ अब मैं यहाँ पर एक गेम खेलने लगी हूँ इस गेम का नाम है लगाई बुझाई और इसमें आप लोग से एक एक करके सवाल करूँगी उसमें कुछ ऑप्शंस दूंगी मगर गेम का रूल ये कि आप लोगों ने इस सवाल के ऑप्शंस में से कोई एक ऑप्शन पिक जरूर करना है और जो कुछ कहना है सच कहना है सबसे पहले आपके साथ अच्छा जी आपसे पहला सवाल है इनमें से आप किस सियासतदान को सियासत में नहीं देखना चाहते ऑप्शंस में है हमजा शहबाज ख्वाजा आसिफ साहब या फिर शाहिद खाकान अब्बासी इसमें से मैं ऑप्शन नहीं कर सकता इसलिए ये तीनों मुझे बड़े पसंद हैं और मेरी पार्टी के भी हैं तो बड़ा एसेट है हमारी पार्टी का इसका मतलब है कि अगर जाएँ तो तीनों साथ जाएँ सियासत से और रहें भी तो तीनों साथ रहें आपके कहने का मतलब तीनों रहें तीनों रहें और अगर जाने की बात हो किसी की तीनों में से तो तीनों ही जाएं जो उनका अपना दिल चाहे तो जाएं आप तो चाहते कि रहें यार क्या बात है ठीक है अच्छा सामिया आपसे सवाल है कि इन अदाकारों को 100 में से कितने नंबर आप देंगी अगर मैं आपको ऑप्शंस देती हूँ शहरयार मुनव्वर फैसल कुरैशी बिलाल अशरफ बिलाल अशरफ के लिए 90 ओके फैसल कुरैशी 70 ओके और शहरयार मुनव्वर 50 हाय अल्लाह क्या दौर आ गया है फैसल कुरैशी मेरे भाई आप तो सुपरस्टार हैं सुपर एक्टर हैं मतलब मैं कहती हूँ इंडस्ट्री में कोई रियल एक्टर है तो वो अपनी आंखों से खेलता है बॉडी लैंग्वेज से खेलता है वो है फैसल कुरैशी और शहरयार मुनव्वर जो है अभी हमारी नई लॉट में से हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मगर उसके बावजूद उन्होंने कहा है कि बिलाल अशरफ जो है उसको मैं 90 नंबर दूँगी मतलब 100 आउट ऑफ वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बाकी ये दो जो हैं इनको बिल्कुल भी अदाकारी नहीं आती है तो इन लोग के साथ मैं काम नहीं करूंगी बाकी बिलाल अशरफ साहब के साथ करूंगी ना ये सारी बातें फिजा ने अपने पास से बताई है मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा चलो मुंह से निकल गया क्या हो गया छोड़ो है ना अजय चौधरी साहब इनमें से किस सियासी रहनुमा को आप ना तजुर्बाकार समझते हैं ऑप्शन में से है परवेज रशीद मुशाहिदुल्ला या फिर मुशाहिद हुसैन मुशाहिद हुसैन में से ही इज द बेस्ट टॉपर ओके मुशाहिद हुसैन के लिए चौधरी साहब कह रहे हैं हमारे शो पे कि ही इज़ द बेस्ट और बहुत तजुर्बाकार इंसान है इज वेरी प्रैक्टिकल मुशाहिदुल्ला और परवेज रशीद साहब जो है बिल्कुल ना तजुर्बाकार इंसान है ये लोग मैं ये तो आप, समझ में नहीं आता ये तो आप पीटीए वाले से कहें ना कि इनमें से कौन जब वो भी नहीं कह सकते इनको सामिया ये बताइए किस अदाकारा को अब अदाकारी छोड़कर उस्तानी बन जाना चाहिए मीरा या रेशम या रीमा रीमा जी तो आजकल अपने सारे इंटरव्यूज में वैसी टीचर बनी हुई है रीमा जी आपके लिए कह रही है कि आप काम छोड़ दें आप स्टानी बन जाइए बाकी मीरा और रेशम जो है वो काम करें वो अभी छाई हुई है दे आर वर्किंग टू गुड अच्छा अब आप बता दें चौधरी साहब इनमें से कौन सा ऐसा सियासतदान है जिसे आप सबसे ज्यादा चुगलखोर सियासतदान समझते हैं राणा सनाउल्ला मरियम औरंगजेब या फिर तलाल चौधरी चुगलखोर है ही नहीं क्या इसको आप देती नहीं होता है इधर की बात उधर कर रहे होते हैं हर खबर दे रहे होते हैं यूं हो रहा है ये कर रहा है नौज़ बिल्ला चुगलखोर कम से कम कोई नहीं है कोई एक का तो इन्फॉर्म करता होगा ना इन्फॉर्म ही कर देता हो कोई बात हो रही हो कोई हल्के की बात हो किसी के लोग होते हैं नून लीग के सारे फरिश्ते या किसी और पार्टी नु फड़ देख किस तरह जवाब दे दे कोई एक आध बंदा तो होगा ना जो बात बताता उन्होंने मशवरा बड़ा सही दिया आपको मगर वो गेम नहीं खेल ले ना चाहे साहब तलाल चौधरी का नाम ले लो दे बारे रिपोर्टा है ने के लगाई बुझाई करता है नहीं 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 मैडम मरियम दे कान पड़दा है बाकी लोगों दे खिलाफ कोई पक्कियां रिपोर्टा नहीं नहीं तोड़ी रिपोर्टा गलत ने बुजुर्गो
ओए ताड़ियां रिपोर्टा दा दुर फिट है ए जी आज करो तू यही लेके जो इतला देते हो चौधरी साहब उस पे पानी डाल देते नहीं मैं समझ गई पक्कियां रिपोर्टा ने ओना दे कुत्ते दा वाकिफ है अच्छा जी आपसे आखिरी सवाल है आपके ख्याल में ये अदाकारी अच्छी कर सकते हैं सामिया ऑप्शंस में है हमजा शहबाज फवाद चौधरी या फिर शेख रशीद साहब मशवरा कर सकती हैं आप चौधरी साहब बराबर में अगर कोई हेल्प चाहिए तो सर आप बताइए अगर एक्टिंग ही करानी हो तो फिर हमजा शहबाज बेहतर करेगा आई थिंक हमजा शहबाज अच्छी एक्टिंग कर यार देखो चौधरी साहब ने इस जगह बड़ा हिस्सा डाला जहां वो कुछ नहीं कह पा रहे थे उन्होंने ये बोला कि हमजा शहबाज जो है वो एक्टर अच्छा है वो सियासतदान अच्छा नहीं है मैं ये नहीं कहा मैंने ये नहीं कहा सियासतदान अच्छा नहीं मैंने कहा जो आज बंदे एक्टिंग भी करनी पड़े तो कर सकता है अच्छा इन्होंने ये कहा है कि हमजा शहबाज जो है वो एक्टिंग ज्यादा करते हैं सियासत कम करते हैं ये कहा नहीं ऐसे नहीं कहा ऐसे नहीं कहा मैंने कहा सियासत भी बड़ी अच्छी करते हैं अगर जरूरत पड़े तो एक्टिंग भी कर सकते हैं